शहडोल पटवारी प्रसन्न सिंह की हत्या के बाद शहडोल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे पटवारियों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पटवारी संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि पटवारी की हत्या का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराया जाए, प्रसन्न सिंह को शहीद का दर्जा दिलाया जाए, शहीद की तरह परिवार को सुविधा प्रदान की जाए, वही परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा हत्या के आरोपियों की संपत्ति को पूरी तरह से नष्ट किया जाए। पटवारियों ने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के पटवारी कलमबंद हड़ताल में चले जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देते वक्त भारी संख्या में पटवारी कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद रहे। दिनांक 25/11/2023 को ब्योहारी तहसील के पटवारी साथियों को SDM ब्योहारी श्री नरेंद्र सिंह धुर्वे एवं वहां के तहसीलदार द्वारा अवैध उत्खनन की जांच करने के लिए रात में गश्त के लिए और अवैध उत्खनन रोकने के लिए भेजा था, जिसमें 4 पटवारियों को भेजा गया था, जिसमें श्री पटवारी प्रसन्न सिंह, वीरेश पाठक, कामतानाथ मिश्रा और कल्याण सिंह गए थे। इन लोगों को तहसीलदार ने अपनी शासकीय गाड़ी से भेजा था। वो जहाँ गोपालपुर जहाँ संवेदनशील स्थित है वहाँ अवैध उत्खनन होता है, रेत का लगातार होता रहा, पहले भी घटनाएं घटित हुई हैं वहाँ। पहले हमारे पिछले तहसीलदार चिरामन सिंह के साथ वहाँ मारपीट भी हुई थी काफ़ी, उनका हाथ भी तोड़ दिया गया था, परंतु अधिकारियों ने उस घटना से संज्ञान न लेते हुए पुनः पटवारियों को बगैर किसी पुलिस सुरक्षा के मध्य रात्रि भेजा कि वहाँ कि आप जाइए और वहाँ अवैध उत्खनन रोकिए। ये 4 पटवारी वहाँ पहुँचे, उनमें से प्रसन्न सिंह भूतपूर्व सैनिक थे, सैनिक कोटे से पटवारी पद पर आए थे, रिटायर्ड होकर आए थे, उन्हें पटवारी की नौकरी सैनिक कोटे से मिली थी। काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने उतरकर जैसे ही वहाँ गाड़ी रोकनी चाहिए ट्रैक्टर को, तो ट्रैक्टर चालक उन पर गाड़ी चलाते हुए निकल गया और उनकी तुरंत मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना SDM तहसीलदार को उपस्थित पटवारियों ने दी। उसी के संबंध में हम लोग यहाँ आज कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए थे कि ऐसी घटना पुनः न हो और जो दिवंगत परिवार है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, दिवंगत पटवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए, दिवंगत परिवार को शहीद की जो सुविधाएं मिलती हैं वो दी जाएँ तथा परिवार को 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता दी जाए।